पिछले साल हमने भारत को जोड़ने की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। नफरत के बाजार में बीजेपी आरएसएस के लोग एक दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, दूसरे भाषा से लड़ाते हैं, दूसरे प्रदेश से। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। हमने पिछली यात्रा में लाखों लोगों से बात की, सारे लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में नफरत नहीं काम करती है, हिंदुस्तान में मोहब्बत काम करती है। ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। अगर चुने हुए लोग हैं, बीजेपी के नफरत भरे लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, और यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके दिल में पूरी दुनिया से नफरत है। वो सुबह उठते हैं और उनके दिल में से नफरत निकलती है, तो लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई उनके दिल में जो नफरत है उससे है। आप जानते हो कि नफरत को भैया भाई थोड़ा कमजोर है, मेरी मदद करो थोड़ी, शांत रहो। तो नफरत को नफरत कभी नहीं काट सकती। अगर आप अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोला और आपने उसको कल कुछ गलत बोला, फिर वो फिर से आपको गलत बोलेगा, फिर आप बोलोगे, फिर वो बोलेगा। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और एक और बात समझिए, नफरत के पीछे डर छुपा होता है। बात समझ आई? नफरत के पीछे डर छुपा होता है, तो ये लोग देश में डर और नफरत फैलाते हैं। हमारा काम दो नारे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और दूसरा नारा डरो मत, डरो मत, किसी से नहीं डरो, डरो मत, चाहे कुछ भी हो जाए डरो मत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।